भाइयों, वैसे तो पोलपे ने बहुत सारे अपडेट्स किए, लेकिन इस बार कुछ अलग ही अपडेट किया है, क्योंकि इस बार पोलपे वालों ने पूरा का पूरा इंटरफेस ही चेंज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या अपडेट्स किए गए पोलपे एप्लीकेशन में, और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, और कोई अच्छा अपडेट आया है कि नहीं, सारे की सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पोलपे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। एंड ओपन करोगे तो आपके सामने लॉगिन का अलग तरह का सिस्टम आएगा। एंड लॉगिन करने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम शिवम, अर्न क्वाइंस एंड गेट 100 ऑफ गिफ्ट फ्रॉम पोलपे शॉप। एंड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे क्वाइंस दिखाए जा रहे हैं, मैं इतने रिवॉर्ड्स ले चुका हूँ अब तक, वो दिखाया जा रहा है। एंड जैम 0 है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है टू डे पोल का ऑप्शन, जो कि आपको सबसे लास्ट में मिलता था, मतलब नीचे मिलता था, वो आपको सबसे पहले नंबर पर मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस पोल को ही कम्प्लीट कर लेते हैं। एंड जब आप लोग पोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, एंड वही आपके सामने पोल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, एंड क्या करना है, सबमिट कर देना है। जिसके बाद आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मुझे 25 कॉइन्स मिल चुके हैं। एंड चलिए अब हम यहाँ से बैक चलते हैं और आगे के ऑप्शन देखते हैं। तो होम पेज पर आने के बाद आपको अगले मिल जाता है यहाँ पर ट्रेंडिंग ऑफर्स वाला ऑप्शन, जहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशंस दिख रहे होंगे जिन्हें आपको इंस्टॉल करना होता है, एंड यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करना होता है। चलिए हम इसे भी कंप्लीट करके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एप्लीकेशन आ रहा है प्ले शिप रमी, जिसे हमें इंस्टॉल करना है एंड ओपन करना है। चलिए हम इसे इंस्टॉल करके ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा टास्क कम्प्लीट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर एपी की फाइल डाउनलोड हो गई है, अब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे एंड उसके बाद ओपन करके रखेंगे और टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे रिवॉर्ड मिल चुका है 200 कॉइन का प्ले शिप रमी ऑफर कंप्लीट करने पर, यानी कि यहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह सब अच्छे से काम कर रही है, कोई भी इस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर चेंजेस आए हैं। यहाँ पर मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो चुके होंगे, तो ट्रेंडिंग ऑफर वाला सेक्शन अच्छी तरह से काम कर रहा है। नीचे आपको ऑनगोइंग इवेंट्स में यहाँ पर ज्वाइन रिफरल चैलेंज मिल जाता है, जिसमें आप लोग रिफर करके अर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डेली पोल तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है सर्वे का ऑप्शन, आज तक मैं इसमें कोई भी सर्वे कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कमिंग सून लिख के आ रहा है, इसमें भी अभी सर्वे अवेलेबल नहीं है। नीचे इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है फीचर्ड ब्लॉग, जो कि यहाँ पर इनके वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जो ब्लॉग्स अपलोड किए जाते हैं वो यहाँ पर आते हैं। होम पेज पर इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। अर्न वाले सेक्शन में आएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, सबसे पहले तो हमें मिल जाता है लकी व्हील वाला ऑप्शन, जो कि पहले भी था लेकिन वो होम पेज पे था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमें 5 स्पिन्स मिलते थे, लेकिन अब इन्होंने कर दिए हैं 10 स्पिन, यानी कि एक दिन में आप लोग 10 स्पिन कर पाएंगे। एंड नीचे लिखा है स्वैप 2 स्पिन 3 फ्री स्पिन। चलिए हम इसे स्पिन करके देखते हैं इस तरह से क्या होता है, इन्होंने पूरा सिस्टम अलग कर दिया है स्पिन करने वाला। तो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं 10 कॉइंस, एंड स्पिन मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 फ्री स्पिन और बचे हैं, एंड मुझे लगता है उसके बाद यहाँ पर कॉइंस कटना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सभी स्पिन्स को कंप्लीट कर दें, एंड मुझे 7 कॉइंस मिले हैं, 1 फ्री स्पिन बचा है लास्ट वाला, तो इसे भी स्पिन कर देते हैं। एंड इस बार मुझे 7 कॉइन्स मिल चुके हैं। एंड आप लोग अब देख सकते हो यहाँ पर लिखा है स्वैप 2 स्पिन 10 कॉइन्स, यानी कि अब मैं जो अगला स्पिन करूँगा मुझे यहाँ पर 10 कॉइन्स देने होंगे, उसके बाद ही अगला स्पिन हो पाएगा। चलिए इसे भी ट्राई करते हैं, एंड ऐसे मेरे 10 कॉइन्स कट जाएंगे एंड अगला स्पिन से मुझे यहाँ पर कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 कॉइन्स स्पेंड किए थे और मुझे एक ये लकी बॉक्स मिला है, यहाँ पर लिखा है सूट लेट्स ट्राई अगेन, यानी कि कुछ भी नहीं निकला, 10 कॉइन्स मेरे चले गए फालतू में पानी में, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। एंड अब मैंने फिर से एक बार स्पिन कर दिया है, एंड इस बार मुझे 25 कॉइन्स मिल गए हैं, और फिर से एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है। इस बार 30 कॉइन्स मिल गए हैं भाई साहब, फिर से करते हैं। चलिए सभी स्पिन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इस बार हमें फिर से डब्बा मिला है, मतलब डब्बा गोल हो गया। इस बार 50 कॉइन्स मिले हैं भाई, 100 यार 200 वाला यार मिल ही रहा है, अमेजिंग यार, इस बार मुझे 100 कॉइन्स मिल गए हैं, और देख सकते हो यहाँ पर कितनी तेजी से बढ़ रहे थे। चलिए फिर से एक और कर देते हैं, लास्ट वाला बचा हुआ है,
एंड इस बार आप देख सकते हो 50 क्वाइंस मिले हैं। तो लगभग एक टास्क के इतने तो हमारी इससे भी अर्निंग हो गई है। चलिए अब हम फिर से यहाँ से चलते हैं अर्न वाले सेक्शन में। एंड अगला आपको यहाँ पर मिल जाता है डेली स्ट्रिक का ऑप्शन, जिसमें आप लोग डेली चेक इन करके क्वाइंस अर्न कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर दूसरा दिन है मेरा, एंड यहाँ पर छठे दिन के बाद सातवें दिन आपको एक मिस्ट्री बॉक्स मिलने वाला है, जिसमें आपका कुछ भी निकल सकता है। चलिए सेकेंड डे वाला यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एंड मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट रिवॉर्ड इन 13 hours 2 minutes 35 seconds, यानी कि इतनी देर में हमारा अगला वाला जो डेली स्ट्रिक वाला ऑप्शन होगा वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं विटलैब सर्वे का ऑप्शन, ऐड टास्क का ऑप्शन, न्यूमी टास्क, एड गेट टास्क, पोलफिश टास्क जो कि होम पेज पर हुआ करते थे, एंड पॉलपे का टावर बिल्डर गेम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिंपल टास्क रिवॉर्ड यानी टास्क पे वाला इन्होंने एक और ऑप्शन डाल दिया है, लेकिन ये तो वही ऑप्शन है जो इन्होंने शुरुआत में डाला था, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो हम आपको करके दिखा ही चुके हैं। एंड आपको नीचे मोर गेम्स वाले ऑप्शन में मिल जाता है गेम जॉब, क्विज जॉब एंड कुरेका लाइट वाला। नीचे आपको मिल जाता है रीफर नाउ एंड गेट 200 क्वाइन, यानी एक रीफर के यहाँ पर आप लोगों को 200 क्वाइंस दिए जा रहे हैं। नीचे आपको मिल जाएगा सबसे यहाँ पर लिमिटेड ऑफर्स वाला ऑप्शन, यहाँ पर देख पाएंगे रिपोर्ट एंड वर्क गेट रिवॉर्डेड, यहाँ पर लिखा है शेयर योर फीडबैक एंड रिपोर्ट वर्क हेयर एंड गेट 500 क्वाइन, यानी कि हमें यहाँ पर कोई वर्क वगैरह इनको बताना है और इन्हें फीडबैक शेयर करना है, जिसके बाद हमें 500 क्वाइन मिलेंगे। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं इसे। यहाँ पर इस तरह का आया है फीचर रिक्वेस्ट वर्क रिपोर्ट, तो लेट्स गो करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, वुड यू लाइक रिपोर्ट वर्क रिक्वेस्ट फीचर, फीडबैक दे देते हैं। मैंने कोई बग तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, इश्यू एंड टाइटल चलिए ऐसे लिख देते हैं, क्या हुआ है टाइप योर मैसेज, लिख देता हूँ मैं मैसेज। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ब्रॉस फाइल अपलोड, ऐसे ही सबमिट करके देखते हैं। हाँ तो ऐसे ही सबमिट हो गया है। एंड यहाँ पर भाई साहब मुझे क्वाइंस मिले कि नहीं, भाई यहाँ पर क्वाइंस तो मिले नहीं, मतलब ये खाली में हमारा चूतिया काट रहे हैं। चलिए हम और भी अगले देखते हैं क्या है। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड गेट 10 क्वाइंस, यानी सब्सक्राइब करने पर यूट्यूब चैनल पर 10 क्वाइंस मिल जाएंगे। यहाँ पर रीट्वीट पोल पे ट्विटर पोस्ट, यानी कि इनकी पोस्ट होगी ट्विटर वाली, उसे हमें रिट्वीट करना है एंड हमें 50 क्वाइंस मिल जाएंगे। चेक आउट पोल पे इंस्टा पोस्ट, इंस्टा पोस्ट चेक करने पर हमें मिल जाएंगे 200 क्वाइंस। सबमिट डेली पोल क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 500 क्वाइन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबमिट डेली पोल वाला तो हम शायद कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लिख क्या रहा है कमिंग सून, यानी कि ये वाला कोई दूसरा ऑप्शन है। इंस्टा पोस्ट को चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि हमें 20 क्वाइंस मिलते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टा पोस्ट आ चुकी है, चलिए इसे ऐसे लाइक कर देते हैं एंड फिर देखता हूँ चेक करके क्वाइंस क्रेडिट हुए कि नहीं। भाई मुझे लगता है इसके बदले में भी क्वाइंस क्रेडिट नहीं हुए हैं, मेरे उतने के उतने ही क्वाइंस हैं। आप लोग देख सकते हो कोई क्वाइंस क्रेडिट नहीं हुए इंस्टा पोस्ट को चेकआउट करने पर। तो इतने सारे इसमें न्यू फीचर्स आ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर मेन बात कर लेते हैं, जो कि है यहाँ पर रिवॉर्ड वाले सेक्शन में। पहले क्या होता था कि ये प्रॉब्लम आ रही थी हमें कि हमें यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। तो हम चेकआउट करके देखते हैं कि अभी भी वही प्रॉब्लम यहाँ पर लगी हुई है या फिर वो हट गई है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पेटीएम में सिलेक्ट कर लूँगा। आपको गूगल प्ले स्टोर का रिडीम कोड चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर लिखा हुआ है पे 1500, यहाँ पर मैं थोड़ा अमाउंट इंक्रीज कर देता हूँ 50 वाला, देखता हूँ कितने का मिलता है। भाई हमारे पास तो बहुत से क्वाइंस हैं, चलिए इसे भी और बढ़ा देते हैं। भाई 50 रुपये तक ही हम यहाँ पर मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं। यू हैव सेव्ड 250 पोल पे क्वाइंस यहाँ पर लिख के आ रहा है एंड 4750 क्वाइंस हमें यहाँ पर पे करने होंगे एंड हमें 50 रुपये मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर टैप करके देखता हूँ। यहाँ पर लिखा है यू डोंट हैव इनफ क्वाइंस टू रिडीम, मेरे पास यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7230 क्वाइंस हैं। और यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है अवेलेबल 3661, मतलब यार मैं कुछ इनका चक्कर समझा नहीं, वहाँ पर दिखा रहे हैं 7230 और यहाँ पर 3661। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर कैन ओनली विद्रॉ अवेलेबल क्वाइंस नॉट टोटल अर्निड, अच्छा अच्छा मैं समझ गया अभी कहना क्या चाह रहे हैं। अवेलेबल क्वाइंस में वेरी बेस्ड ऑन एक्टिविटी टाइप्स, टास्क कंप्लीशन फुल विद्रॉल अलाउड, 20% बोनस विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर रिडीम, स्पिन मैक्सिमम 20% विद्रॉल, डेली स्ट्रीक मैक्सिमम 20% विद्रॉल, यानी कि यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा हुआ जा रहा है कि कितना आप लोग यहाँ पर रिडीम कर सकते हो। रिफर एंड अर्न का आप लोग यहाँ पर फुल विद्रॉ कर सकते हो, टावर बिल्डर का भी फुल विद्रॉ कर सकते हो, स्पिन का 20% होगा, डेली स्ट्रीक का 20%, डेली पोल का भी 20% होगा।
तो साफ साफ मतलब है यहाँ पर आप लोग जो ऑल टोटल कॉइन्स है इन्हें यूज नहीं कर सकते हो, जो यहाँ पर आपके अवेलेबल कॉइन्स में यहाँ पर बैलेंस दिखाया जा रहा है वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। चलिए मैं 15 रुपए वाला लगा कर देखता हूँ, पहले मेरे में ये टास्क कंप्लीट वाली प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं इसे लगा कर देखता हूँ। OMG, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि वही वाली प्रॉब्लम यहाँ पर सेम है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर लिख के आ रहा है ओप्स रिक्वेस्ट फेल्ड, प्लीज डू टू मोर टास्क टू रिक्वेस्ट फॉर रेडी, यानी कि हमें अभी भी टास्क को कंप्लीट करना होगा। तो इस मामले में इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं किए। मतलब कुल मिला के आपको कहूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर नुकसान ही हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर टोटल कॉइन्स देख पा रहे हो, हम इसे रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, हम कम कॉइन्स को रिडीम कर पा रहे हैं। उन्होंने अलग से एक अवेलेबल बैलेंस वाला यहाँ पर फीचर डाल दिया है जिसमें हम यहाँ पर एक्टिविटी के अनुसार ही यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जितना हम एक्टिव रहेंगे उतने यहाँ पर कॉइन्स आपके अवेलेबल बैलेंस में इंक्रीज होते जाएंगे एंड वहाँ से आप लोग रिडीम कर पाएंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है क्या क्या अपडेट्स आए हैं और क्या क्या यहाँ पर बेकार की चीज़ें रही हैं और क्या क्या फ़ायदे की चीज़ें रही हैं। फ़ायदे की तो वैसे कोई भी नहीं थी यहाँ पर, वही सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर नुकसान वाली ज़रूर आ गई है। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और हाँ हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जरूर विजिट करना, Mr_Tekron यूजर नेम है, आप लोग जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, हमने एक दो दिन पहले ही क्रिएट की है तो आप लोग वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।